दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एलेक्स और जैक। एलेक्स बहुत ही होशियार और मेहनती था, जबकि जैक हमेशा मजे करने वाला और आसान रास्ते तलाश करता। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर काम साथ करते, लेकिन उनका तरीका मुख्तलिफ था। एलेक्स हमेशा अपनी मेहनत पर यकीन रखता था, जबकि जैक सोचता था कि शॉर्टकट्स लेकर जिंदगी आसान बनाई जा सकती है। गांव के करीब एक बड़ा जंगल था, जहां लोग अक्सर फल और लकड़ी लेने जाते थे। लेकिन जंगल में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि इसके बीच में एक खास दरख्त है, जो हर शख्स की छुपी हुई हिम्मत और खुद पर भरोसा आजमाता है। लोग कहते थे कि जो इस दरख्त को ढूंढ लेता है, वो जिंदगी के मुश्किलात का सामना करके कामयाब हो जाता है। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एक दिन एलेक्स और जैक ने फैसला किया कि वो इस जंगल में जाएंगे और अपनी किस्मत आजमा कर दरख्त को ढूंढेंगे। जैक कहने लगा, ये दरख्त अगर मिल गया तो हमें जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। एलेक्स ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है अपनी हिम्मत और मेहनत को आजमाने का, लेकिन उसने जैक को समझाया, हमें सब्र और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ये दरख्त वाकई है तो इस तक पहुंचने के लिए हमें इम्तिहान देना होगा। सफर शुरू हुआ और जंगल के अंदर रास्ते मुश्किल होते गए। एलेक्स अपनी मेहनत और हौसला मंदी के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि जैक ने हर मुश्किल में आसान रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जैक अक्सर शॉर्टकट्स लेकर जंगल के मुख्तलिफ रास्ते पर चलता, लेकिन हर बार गलत जगह पर पहुंचता। एलेक्स ने उसे समझा कर कहा, हर काम में शॉर्टकट नहीं चल सकता। दोस्तों, सब कुछ सब्र और हिम्मत से मिलता है। चार दिन की मुश्किल सफर के बाद एलेक्स ने आखिरकार दरख्त को ढूंढ लिया। ये एक बड़ा और मजबूत दरख्त था। एलेक्स ने देखा कि दरख्त पर एक पुराना पैगाम लिखा था, जो यहाँ तक ईमानदारी और मेहनत से पहुँचता है, उसे जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। जैक भी पीछे पीछे चलकर इस जगह पहुँच गया, लेकिन वो थका हुआ था और उसे समझ आ गई थी कि शॉर्टकट्स ने उसे सिर्फ मुश्किल में डाला है। एलेक्स ने अपनी मेहनत और हिम्मत का फल पा लिया था, लेकिन जैक अब शर्मिंदा था और एलेक्स से कहा, मुझे समझ आ गया दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ जल्दी और आसानी से नहीं मिलता। जो रास्ते मुश्किल लगते हैं, वही असल सफर का हिस्सा होते हैं। एलेक्स ने हंस कर कहा, तुम्हें देर से समझ आई, लेकिन अब भी वक्त है। जिंदगी में जो सब्र से काम लेता है और मेहनत करता है, वही सच में कामयाब होता है। इस दिन के बाद जैक ने भी अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, अपने दोस्त एलेक्स से सबक लेकर। दोनों दोस्तों ने जंगल का सफर सिर्फ एक दरख्त को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के असल रास्तों का सामना करने के लिए किया। एलेक्स और जैक की दोस्ती और मजबूत हो गई, और दोनों ने सीखा कि सब कुछ मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। इस कहानी से हम ये सबक लेते हैं कि जिंदगी के सफर में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, सब कुछ मेहनत, हिम्मत और सब्र के साथ ही हासिल किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा।